भारत की बौद्ध कूटनीति अब ज्यादा धारदार होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार के राजगीर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पास ही नालंदी विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यूपी समेत कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इस बीच कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। दिल्ली में भीषण गर्मी से कोहराम मचा हुआ है। गर्मी में 24 घंटे में 33 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पुलिस के पास अभी जांच जिलों का डेटा नहीं है। पुलिस के मुताबिक मरने वाले लोग फुटपाथ और रैन बसेरों में रहने वाले लोग थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आवास पर संसद के आगामी सत्र के लिए सदन की रणनीति तैयार करने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद स्पीकर के लिए 3 नामों की चर्चा होने लगी है। इनमें भाजपा नेता राधा मोहन सिंह, डी पुरेंदेश्वरी और भृतहरि महताब के नामों की चर्चा है। 19 से 20 जून के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन ने राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है, जिसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर जनता को धोखा देने और अपने इरादों को छुपाने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने भाजपा के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज उर्फ नागेन रॉय से उनके कूचबिहार स्थित आवास पर मुलाकात की। अनंत राजवंशी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। बता दें 35 मिनट तक चली ये बैठक सियासी रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मरवा के जंगलों में कल गोलियों की आवाज सुनने के बाद सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले के मुफलियाज सेक्टर के मराहा वन क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी रखा है। गोलीबारी की सूचना मिलते ही अतिरिक्त बल को घटनास्थल पर भेजा गया और इलाके की घेराबंदी कर दी गई। फिलहाल अभी तलाश अभियान जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो रही है। राव जीवनी कोर्ट ने उन्हें कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि अदालत केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज फिर से बढ़ा सकती है। इससे पहले 5 जून को कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी थी। एनवीडिया बीते मंगलवार को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इस कंपनी के चिप्स आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के बाजार पर हावी होने की दौड़ में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इसी महीने पहली बार $3 ट्रिलियन एमकैप क्लब में एंट्री लेने वाली कंपनी ने अब एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यूपी समेत कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इस बीच कांग्रेस ने अपने 3 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है।